एक कहानी, एक तेरा जादू पर एक बीरबल ज्ञानी। और कितनी देर लगेगी हुजूर? मैं घंटों से इंतजार कर रहा हूँ, मेरी बूढ़ी हड्डियाँ और बर्दाश्त नहीं कर सकती। सब्र करो बड़े मियाँ, अगले तुम ही हो, लेकिन अंदर जाने से पहले 5 सोने की अशरफियाँ देनी होंगी। 5 अशरफियाँ? लेकिन किस लिए? दरबार में जाने के लिए। जिसे शहनशाह से मिलना है उसे ये नजराना देना ही पड़ता है। कैसा नजराना? मैं पहली बार सुन रहा हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। चलो बड़े मियाँ, जिद मत करो, ये कायदा मैंने नहीं बनाया, यहाँ ऐसा ही चलता है। कैसा कायदा? शहनशाह ने ऐसा कोई कायदा नहीं बनाया। मैं तुम्हें हमारे सरदार के पास ले चलता हूँ, वही तुम्हें समझाएंगे, आओ मेरे साथ। हुजूर, ये दरबार में जाने की रकम देने से मना कर रहा है। सुनो बड़े मियाँ, तुम्हें हमको नजराना तो देना ही पड़ेगा। मैं क्यों रकम भरूं? तुम कैसे मुझसे कुछ मांग सकते हो? देखो बड़े मियाँ, यहाँ सैकड़ों लोग शहनशाह से मिलने आते हैं, हर कोई तो नहीं मिल सकता, इसलिए जिसे बादशाह से मिलना है उसे नजराना देना ही पड़ेगा। कैसा नजराना? मैं क्यों पैसे दूं? ये सरासर ना इंसाफी है। तो फिर तुम बादशाह से नहीं मिल सकते। सिपाही, इस बूढ़े को बाहर का दरवाजा दिखा दो। हुजूर, एक बूढ़ा आदमी आपसे मिलना चाहता है। मुझसे उनको बाइज्जत अंदर लाओ। आदाब हुजूर, आदाब, आदाब। कहिए कैसे आना हुआ? इन हालात में आप ही मेरी मदद कर सकते हैं हुजूर। मेरा नाम रामदेव है, मैं एक गरीब गायक हूँ और कोसों दूर राजस्थान से आया हूँ शहनशाह को अपना संगीत सुनाने के लिए। पर जब मैं उनसे मिलने गया तो मुझे घंटों तक वहां खड़ा रहना पड़ा और उसके बाद तो ऐसे ये सिपाही इन गरीब लोगों को लूट रहे हैं। मुझे कुछ करना पड़ेगा। फिक्र ना करें रामदेव जी, आप बहुत जल्द ही अपना संगीत जहां पना को सुनाएंगे। शुक्रिया हुजूर, आप बड़े रहम दिल हैं। हुजूर, मैं शहंशाह अकबर से मिलना चाहता हूँ। हाँ हाँ, सब यहाँ इसलिए आते हैं बड़े मियाँ, अंदर जाने के लिए पहले तुम्हें 5 सोने की अशरफियाँ देनी पड़ेंगी। 5 अशरफियाँ? मैं एक गरीब आदमी हूँ, तो भला मैं इतनी बड़ी रकम कैसे दूंगा? अगर तुम्हारे पास रकम नहीं है तो जाओ यहाँ से, मेरा वक्त बर्बाद मत करो तुम। मेरी मदद करे हुजूर, मैं एक गरीब आदमी हूँ, क्या मैं आपको बाद में पैसे दे सकता हूँ? इसका फैसला तो हमारे सरदार ही करेंगे, चलो। बड़े मियाँ, अगर शहंशाह से मिलना चाहते हो तो कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। पर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है हुजूर। तो खामखा हमारा वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? वापस जाओ और हमें अपना काम करने दो। मेरी एक गुजारिश है,
मेरा संगीत सुनकर बादशाह जरूर खुश हो जाएंगे और इनाम देंगे। मैं इनाम का आधा हिस्सा आपको दे दूंगा। इनाम का आधा हिस्सा, ये ठीक रहेगा। सिपाही, इन्हें शहंशाह से मिलने दिया जाए और ख्याल रहे कि ये इनाम का आधा हिस्सा हमें दें। शुक्रिया हुजूर, आप बड़े रहमदिल हैं। आदाब बादशाह सलामत, मैं राजस्थान से आया हूं और आपकी शान में कुछ गीत पेश करना चाहता हूं। शुक्रिया रामदेव जी। मैया थारो राम बसे कीण गाँव, मैया थारो राम बसे कीण गाँव, मारो राम रमैयो मारो राम रमैयो, रेवे घट घट माँ कोटा बरियो इतरो ही जाने, कोटा बरियो इतरो ही जाने। बहुत खूब रामदेव जी, बेहद खूबसूरत बंदिशें थी, हम बहुत खुश हुए। बताइए आप इनाम में क्या चाहते हैं? शुक्रिया जहांपना, मेरी गुजारिश है कि मुझे 100 कोड़े दिए जाए। क्या 100 कोड़े? आप सजा क्यों पाना चाहते हैं? हम आपको बतौर इनाम सोना जेवर देना चाहते हैं और आप 100 कोड़े खाना चाहते हैं? ताज्जुब है, क्या आप सचमुच यही चाहते हैं रामदेव जी? हुजूर मैं यही चाहता हूँ। अगर आप यही चाहते हैं तो ठीक है। सिपाहियों, रामदेव जी की तमन्ना पूरी की जाए। ठहरिए, मैंने किसी के साथ अपने इनाम का आधा हिस्सा बांटने का वादा किया है। इनाम का आधा हिस्सा, क्या कह रहे हैं आप? जहां पना, क्योंकि मैं आपसे मिलने के लिए बतौर नजराना 5 सोने की अशर्फियां नहीं दे पाया, इसलिए मैंने वादा किया कि अपने इनाम का आधा हिस्सा उन्हें दूंगा। सिपाही को पेश किया जाए। आदाब बादशाह सलामत। तुम्हारी यह हिम्मत कैसे हुई हमारी रियायों को परेशान करने की? सिपाहियों, इसे काल कोठरी में डाल दो। और इसका साथ देने वाले सभी सिपाहियों को भी इसी वक्त गिरफ्तार कर लिया जाए। शुक्रिया जहांपना। बीरबल, अब हमें अपना असली रूप दिखाइए। आपने वाकई बहुत अच्छा रास्ता चुना इन रिश्वतखोरों को सबक सिखाने का। हम जानते थे कि ये तुम ही हो सकते हो। बहुत खूब, लाजवाब। शुक्रिया जहांपना, मैं आपके सामने असली रामदेव सिंह जी को पेश करना चाहूंगा जो कि कोसों दूर राजस्थान से आए हैं। उनके साथ ये हादसा नहीं होता तो इन रिश्वतखोरों का पता नहीं चलता। उन्हें जरूर पेश करें बीरबल, हम असली रामदेव जी को सुनने को बेताब हैं और इस बार उन्हें बतौर इनाम कोड़े नहीं खाने पड़ेंगे। शहंशाह अकबर जिंदाबाद, राजा बीरबल जिंदाबाद।